हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी लाओ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप BMW के स्टेप्रोनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो गियर है वो आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो, और साथ ही जो आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं वो कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो गाड़ी है वो आपको स्टार्ट करनी है। दोस्तों जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो 8 स्पीड स्टेप्रोनिक ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ मिल जाता है। अभी आप देख सकते हो कि जो गाड़ी है वो पी पे है, और आपको जो गाड़ी की MID है यहाँ पर भी जैसे ये पी लिखा मिल जाएगा। अब अगर आपको इसको डी पे करना है तो साइड में आपको जो गियर के साइड में आपको यहाँ पर एक अनलॉक का बटन है वो आपको प्रेस करना होगा। उससे क्या होगा कि एक अंदर जो क्लिप होती है वो क्लिप अनक्लिप हो जाती है, मतलब जो गियर है वो आपका फ्री हो जाएगा, जिससे कि जो गियर है वो आराम से हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि मैंने प्रेस करके थोड़ा सा पीछे करा और ये ड्राइव पे लग गया। मैं इसको ऐसे ही प्रेस करके थोड़ा ऊपर करूँगा तो जो गाड़ी है वो न्यूट्रल भी हो जाएगी, और थोड़ा वापस ऐसे ही करूँगा तो जो गाड़ी है वो रिवर्स भी हो जाएगी। अभी जो ये गाड़ी ये R पे है, और अब अगर आपको जैसे यहाँ पर आपको MID पे भी मिल जाएगा। अब आपको इसको ड्राइव पे करना है तो आप इसको ऐसे पकड़ के बिल्कुल आराम आराम से आप इसको ऐसे न्यूट्रल फिर वापस ड्राइव यूं लग जाएगा। अब अगर आपको जैसे MS मतलब मैनुअल या स्पोर्ट्स में चलाना है आपको, तो आप इस आपको कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल आराम से इसको ऐसे करके लेफ्ट साइड में आपको ऐसे पुश करना है, और ये अपने आप जो है स्पोर्ट और मैनुअल मोड में अपने आप लग जाएगी गाड़ी। यहाँ पर भी आपको जैसे S1 मतलब अभी जो गाड़ी है स्पोर्ट्स में लग चुकी है, तो वैसे तो 8 स्पीड है, पर अगर आप जैसे स्पीड के अनुसार ही अपने आप जो गियर हैं वो मैनुअली चेंज कर सकते हो। अब मैं इसको वापस पीछे की साइड करूँगा तो M2 आ जाएगा वहाँ पे, तो मतलब जो गाड़ी है वो अभी मैनुअल में चल रही है। और S में आपको चलानी है तो आपको बस इसको छेड़ना नहीं है, बस आपको लेफ्ट साइड में करके जो स्पोर्ट्स मोड है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। खड़ी खड़ी में आपको मैं M2 तक ही दिखा सकता हूँ, पर आप जैसे स्पीड के अनुसार आप जाओगे तो M8 तक आप ले सके जा सकते हो। एक दो बार क्या होता है कि आप जैसे स्पोर्ट्स मोड पर इस मैनुअल चला रहे होते हो गाड़ी और आपको पी पे करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो आपका ये है आप इसको पहले डी पे करते हो, तो डी पे करने के बाद आप ये पी वाला बटन दबा देते हो और जो गाड़ी है वो पार्किंग पे लग जाती है। पर एक दो बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ी जल्दी जो है गाड़ी पार्किंग पे लगानी है, आपको बाहर जाना है, तो आप जैसे अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ स्पोर्ट्स मोड पर, अब आप इसको है ना डायरेक्ट जो पी वाला बटन है आप इसको यहीं से ही जो है पी वाला बटन प्रेस कर दोगे, तो जो गाड़ी है वो अपने आप पी पे लग जाएगी। तो काफ़ी जो कूल फीचर है ये BMW की तरफ से आपको मिल जाता है। एक दो बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको जो गाड़ी है वो डायरेक्ट गियर में लगानी है, मतलब जैसे अभी पी पे है गाड़ी तो मैं इसको ड्राइव मोड पर कर देता हूँ, सब मेरे को जैसे रिवर्स पर लगानी है तो जैसे मेरे को न्यूट्रल नहीं करना बीच में, मेरे को थोड़े जल्दी जो गियर हैं वो लगाने हैं, तो मैं इसको जो साइड वाला जो बटन है उसको प्रेस करूँगा और जो डायरेक्ट थोड़ी से फोर्स लगा के डायरेक्ट ऊपर कर दूँगा तो रिवर्स में लग जाएगी। मैं आपको बताऊँगा कि इस गाड़ी में जो ड्राइव मोड्स हैं वो 3 ड्राइव मोड्स दे रखे हैं आपको, एक स्पोर्ट मोड, एक इको प्रो मोड और एक कंफर्ट मोड। तो आपको अब मैं ये बताऊँगा आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। जैसे आप गाड़ी जो है ड्राइव मोड पर लगा दोगे, उसके बाद जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो ड्राइव है वो डी लिखा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दो ऐसे दे रखे हैं, एक तो ये ट्रैक्शन का दे रखा है, एक यहाँ पर आपको इको प्रो का दे रखा है और एक स्पोर्ट का। तो आप इसको जैसे मैं इको प्रो पे कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो गाड़ी पहले कम्फर्ट में थी अब वो इको प्रो पर लग चुकी है। अब अगर आपको वापस इसको कंफर्ट में करना है तो आप इसको ऐसे ऊपर कर दोगे और जो गाड़ी है वो कंफर्ट में लग जाएगी। अब अगर आपको इसको स्पोर्ट में करना है तो आप इसको वापस ऐसे कर दोगे और जो गाड़ी है वो स्पोर्ट में लग जाएगी। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो जो गाड़ी है वो प्रॉपर जो स्पोर्ट्स मोड है पूरा उसमें लग चुकी है। तो वैसे सिटी के लिए तो कम्फर्ट मोड भी और इको प्रो मोड दोनों ही ठीक है। गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको फॉलो करें। यूज़र नेम आप अपनी स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर मैं जो डेली अपडेट्स होती हैं स्टोरीज होती हैं वो अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पर भी जाके फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।